बच्चों अनुच्छेद 19 में दी गई 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को याद करें ठीक से। प्यारे बच्चों मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में जो है 7 स्वतंत्रताएं दी गई, जैसे 7 देखेंगे 19 मन एक दिया गया था, इसमें संपत्ति रखने की स्वतंत्रता दी गई थी। लेकिन आप लोग पता है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया, इसको ले जाकर संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300A में लाकर जोड़ दिया गया। तो वर्तमान समय में संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। भारत के लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रेजेंट टाइम में प्रदान की गई है जो मौलिक अधिकार है। तो यहाँ से प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत पूछा जाता है कि 6 प्रकार की वो स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है, और यहाँ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से याद करा दूंगा, दिमाग में बैठा दूंगा, क्योंकि 5-6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आप लोगों को संक्षिप्त में बता दूं, 19वां नियम में विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। 19वां बी में जो है सभा सम्मेलन, शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। और 19वां सी में जो है संघ संगम संगठन संस्था यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है। 19वां डी में जो है आपको भारत के किसी राज्य में अबाध रूप से घूमने की आजादी दी गई, भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है। और 19वां ई में जो है आपको बसने की आजादी दी गई है, भारत के किसी भी राज्य में बस सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भी घर मकान बना सकते हैं। और 19वां जी में भारत में कहीं भी बिजनेस व्यापार धंधा कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं इसको ट्रिक के माध्यम से आप दिमाग में बैठा लेंगे। पूछा जाए 19वां ए में क्या है तो आराम से बता सकते हैं, 19वां बी में क्या है बता सकते हैं। देखिए बहुत ही डीप ट्रिक है और थोड़ा फनी ट्रिक है आप, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा। 19वां ए में बोलने की आजादी दी गई, बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोलने से एक शब्द बना लीजिए बोलनिस। जब बोलेंगे तो बहुत से लोग मिलेंगे, मिलेंगे तो क्या होगा मिलनिस हो जाएगा, मिलेंगे तो क्या हो जाएगा सभा सम्मेलन हो जाएगा। तो 19वां बी में जो है मिलनिस, मिलनिस से क्या हो जाएगा सभा सम्मेलन। तो 19वां बी में जो है सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। और जब बोलेंगे मिलेंगे सभा सम्मेलन होगा, और सभा सम्मेलन होगा तो 19वां सी के तहत यूनियन बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, यूनियन से क्या हो जाएगा यूनियनिस। तो बोलनिस मिलनिस यूनियनिस मतलब संगठन बना लिए, और जब संगठन बना लिए तो कहे थोड़ा भारत भ्रमण कर लिया जाए, घूम लिया जाए। तो 19वां डी में घूमने जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, तो घूमने से क्या हो जाएगा घूमनिस। तो 19वां डी में घूमनिस मतलब घूमने की आजादी दी गई, जब भारत में पूरा घूम लेते हैं, घूमते घूमते जब बम्बे मुंबई पहुंचते हैं, मुंबई बहुत अच्छा लगता है, सभी बॉलीवुड के हीरो हीरोइन मुंबई में है, इस तरह देखेंगे 19वां ई में मुंबई में क्या करते हैं बसनिस, वहीं बस जाते हैं, घर मकान बना लेते हैं। और जब 19वां ई में जो घर मकान बना लेते हैं बस जाते हैं, तो मुंबई इलाहाबाद की तरह जो सस्ता शहर है नहीं, वहाँ जीने के लिए रहने के लिए आपको व्यापार बिजनेस धंधा करना पड़ेगा। तो 19वां जी में क्या करते हैं आप वहीं बिजनेस कर लेते हैं, तो 19वां जी मतलब बिजनेस करने की स्वतंत्रता। तो इस तरह देखेंगे आप इस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं, 19वां ए में बोलनिस बोलने का अधिकार है, 19वां बी में जो है मिलनिस सभा सम्मेलन की आजादी है, 19वां सी में यूनियन यूनियन बनाने की आजादी है यूनियनिस हो जाएगा, 19वां डी में जो घूमने का आजादी है घूमनिस हो जाएगा, 19वां ई में जो है बसने की आजादी है बसनिस हो जाएगा, 19वां जी में जो है बिजनेस करने की आजादी है बिजनेस करने से आजादी से क्या होगा बिजनेस। तो इस तरह आसानी से याद कर सकते हैं बोलनिस मिलनिस यूनियनिस घूमनिस बसनिस बिजनिस।